ऐसे दृश्य हैं जिन पर केवल फ्रांस और भारत की निगाहें नहीं है, बल्कि ये समूचा विश्व इन दृश्यों को देख रहा है। बड़ा रोड शो हो रहे हैं, बड़ी एक साउथ एशियन कंट्री के अंदर इस तरह सड़कों पे फर्स्ट वर्ल्ड के लीडर का घूमना बड़ी बात, मैं इसको बड़ी ऑप्टिक्स है। नरेंद्र मोदी साहब ने ऐसे लीडर जो है ना वो सदियों में एक दो आते हैं, और मेरे ख्याल में इंडियन ऑडियंस को मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा सच्चा पक्का अच्छा लीडर मिल जाए ना तो उसको खोना नहीं चाहिए। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, वो हमसे तो बहुत आगे है। देखे ना, एक तो वो बिग मार्केट नहीं कहता हूँ, बिग मार्केट अभी तक हमारे की बड़ी डील्स हो रही है। नरेंद्र मोदी 2019-20 की पाकिस्तान के साथ डॉग फाइट और इंडिया चाइना के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हालात खराब हुए तो उन्होंने फ्रांस का रुख किया और बहुत ज्यादा राफेल वगैरह और मिलिट्री हार्डवेयर वहां से खरीदा है। इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, जो आए रोज मुस्लिम हो रहे हैं और हम लोग आए रोज कमजोर हो रहे हैं, और सिर्फ इसकी एक वजह लाकानूनियत। पाकिस्तान भी हमारा मुल्क है, हमने उसको लेके आगे जाना है, हमने सोचा, लेकिन इंडिया की जो मेन रीजन है ना उसकी आगे जाने की, वो ये कि उन्होंने जब से मेड इन इंडिया बनाना स्टार्ट किया ना तब से वो आगे निकलना स्टार्ट। मोदी साहब की स्ट्रेटजी जो कि मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है कि वो न्यू दिल्ली में नहीं रहते, अब लेके लोगों को भर जाते हैं, जिसकी मैं मिसाल ये देना चाहूंगा कि ट्रंप साहब को अहमदाबाद ले गए थे, यूए वाले जो शेख साहब थे उनको वो गुजरात ले गए थे, जापान वालों को बनारस ले गए थे। कि हमारे जो हुक्मरान है ये अपनी आवाम को लालीपॉप देते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क जो है ना वो किसी को बुलवाते नहीं है। लोग ख्वाहिश करते हैं कि हम भी इंडिया का विजिट करें, हम बांग्लादेश का विजिट करें, हम तरक्की याफ्ता ममालिक का विजिट करें। पाकिस्तान की तरफ कोई आता ना तो सबसे पहले कहते हैं जी हमें इतना कर्जा दे दें। जब वो उन्हें हवा महल के पास जो दुकानों पर लेकर गए, वहां से उन्होंने राम मंदिर का रेप्लिका लेकर दिया जब वो दे रहे थे, तो यूपीआई के पास को उन्होंने फिर दोबारा बात की कि लेरा जो पे है उसके साथ जोड़ा जाए दोबारा। ये हमें मानना पड़ेगा कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है, ठीक है। इन्वेस्टर ना उनका साथ देते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि हमने सिर्फ जो हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी तो हम कुछ करेंगे, आम पब्लिक, उनकी आम पब्लिक स्टूडेंट भी ये सोचते हैं कि यार हमने इस पे काम करना है। पाकिस्तान, मैंने अभी एक जगह कहा कि पाकिस्तान इज अ बर्म्यूडा ट्रायंगल फॉर नॉलेज। बर्म्यूडा ट्रायंगल में ना चीजें जाके खत्म हो जाती है, पता ही चलता भैया कहां गए, तो पाकिस्तान वही है, यहां जाके ज्ञान नॉलेज सब खत्म हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, भारत ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस बनाया और 26 जनवरी वह दिन है जब देश ने संविधान को अपनाया था। हर बार की तरह इस बार भी समारोह के लिए खास तैयारी की गई थी। इस समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों थे। इससे पहले 26 जनवरी को मैक्रों जयपुर पहुंचे जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। इस बीच गणतंत्र दिवस के समारोह से फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी की जुगलबंदी की खास तस्वीर सामने आई और ये देख पाक मीडिया सुन्न हो गई। आप लोगों को पता है कि भारत में आए दिन किसी न किसी देश के राष्ट्रपति आते रहते हैं और मोदी सभी को भारत के अलग अलग राज्यों में ले जाते हैं और सभी को अपना कल्चर दिखाते हैं, और ये सब देख पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लगती है क्योंकि पाकिस्तान में कोई नहीं आता और सिर्फ भारत में ही एक के बाद एक राष्ट्रपति आते रहते हैं और कोई ना कोई डील होती रहती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 26 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति आने वाले थे, पर मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को न बुलाकर फ्रांस के राष्ट्रपति को बुला लिया, तो पाक मीडिया इस पर कुछ एक कह रही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को का ना आना और उसके बाद यह पोलाइटली डिक्लाइन कर देना इनविटेशन को एंड देन फ्रेंच प्रेसिडेंट का आ जाना, आप इसको कैसे देखते हैं? जो बाइडेन के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो उन्होंने बहाना तो किया था कि एक दूसरा उनकी सेहत भी इजाजत नहीं देती उनको ट्रेवलिंग की, बहुत ज्यादा वो स्टेज से उन्हें पता होता कि दरवाजा किधर है, तो वो फ्रांस जाना तो बहुत बड़ी बात थी, पता नहीं शायद ये भी वजह थी, या फिर मैंने आपको पहले बताया था कि एक रीग्रुपिंग भी हो रही है, जिस ना सिर्फ बाइडन साहब का इस इवेंट में ना जाना, आपको पता न्यूक्लियर फ्यूल जो था वो 1982 में देना था अमेरिका ने, लेकिन वो बैकआउट कर गए, फिर फ्रांस ने दिया उनको, तो फ्रांस के साथ उनके रिलेशनशिप जो है वो, और इस दफा भी वो 6 न्यूक्लियर प्लांट जो है वो दे रहे हैं इंडिया को, ये बात चल रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के अंदर 191.8 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेड है। मैं समझता हूं कि जो दौरा हुआ है एनुअल मैक्रॉन का, कि उन्होंने यूपीआई को फ्रांस के लेरा पे के साथ, लेरा पे जिस तरह उसको उसके साथ जोड़ने का उन्होंने कहा, और ये इसी बात का जिक्र वो अपने फ्रांस के दौरे में भी करके आए थे। तो दर हकीकत कौमें ऐसे नहीं बनती, कंट्री ऐसे नहीं बनते जब तक उनको लीडरशिप जो है वो प्रमोट ना करे, वो जब तक प्रमोट ना करे उनको। और मैं दुख के साथ कहूंगा कि आज मेरे वतन अजीज के अंदर नवाज शरीफ साहब के जलसे में जिंदा शेरों को तो लाया गया है, चीते भी लाए गए हैं, लेकिन किसी के मुंह से दो लफ्ज नहीं निकलते कि मुल्क को पांव में किस तरह खड़ा करना, इकॉनमी का क्या होगा, आपको लेगेसी का कोई पता नहीं, आपको लेगेसी के स्पेलिंग नहीं आते, उनको लेगेसी के स्पेलिंग आते हैं, उनको पता है वेयर वी हैव टू टेक द इंडिया टू नेक्स्ट लेवल। यूपीआई, जब आप यूपीआई से कोई चीज लेकर देते हैं किसी फ्रेंच किसी भी मुल्क के सदर को और साथ आप कहते हैं अपने मुल्क के अपने सिस्टम के साथ इसको जोड़ो, आप सोच सकते हैं आप ये बात करें किसी से?
अब आज मैंने अगला इसका रुख देख लिया है, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, अगले 20 साल बाद आपको यहां पे भारतीय मिलेगा नहीं कोई, ये भी गारंटी कर रहा हूं, ना कनाडा में भारतीय होगा तो ना अमेरिका के अंदर होगा, सारे वापस जाएंगे। ये हालात अमेरिका के हो रहे हैं, अमेरिका के हालात और कनाडा के हालात, इनसे ये जो सोशलिस्ट कंट्री ना मॉडल जो सोशलिस्ट के, वो कहते हैं विल टैक्स यू टू डेथ, अमीर होना जुर्म बना दिया जाएगा इन मुल्कों के अंदर, हार्ड वर्क करना जुर्म बना दिया जाएगा, तो भारतीय क्यों यहां रहेंगे, उनको पीछे तनख्वाहें भी अच्छी मिलेंगी, फैसिलिटेशन भी अच्छी मिलेगी, लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी ठीक होंगे, तो यहां क्यों रहेगा, बल्कि ट्रेंड ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मैं भारत जाता रहा हूं, आज तक मैंने पुलिस का नाका कैपिटल सिटी के आसपास, मैं बाई रोड जयपुर, जयपुर से गया था अजमेर शरीफ, सिंगल नाका नहीं था, सिंगल नाका नहीं था, आज तक मुझे किसी ने गाड़ी रोककर, मैंने किसी ने कहा जी पासपोर्ट दिखाओ तुमको, कहां जा रहेगा कौन हो तुम, आप बताए, आप निकले इस्लामाबाद से बाहर, हर 10 मील के बाद डिग्गी खोलो, बेचे जो एटम बम पे हो डिग्गी खोलो, उसी गाजा चला रहे हो, आर यू लिविंग इन गाजा, गाजा भी इतनी सिक्योरिटी नहीं होगी, और ट्राई करते क्या है मेरे भाई पुलिस वाले, और को मुर्गा फांसी तो ला दिए, ना हो गए तो चलो चढ़ता, करप्शन है भाईजान, करप्शन। मैं ये समझता था कि पाकिस्तान एंड भारत विल मूव फॉरवर्ड विद इट विद सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप और ट्रेड रिलेशनशिप, दो रिसेंट स्टेटमेंट जो आई है उससे लग रहा है कि मूड जो है वो ऑन द अदर साइड। एक तो स्टेटमेंट ये आई थी कि राम मंदिर के हवाले से स्टेटमेंट जो आई थी उससे थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता है, और दूसरी ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है इससे दूरियां नजर आती बनती नजर आ रही है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर। कौन बोलेगा, किसी को तो बोलना पड़ेगा, जिसको देखिए आपके यहाँ पे वो पहले पाकिस्तान के वो भी सुपरफिशियल वो क्रिटिसिज्म करता है, जहां उसको क्रिटिसिज्म जाके करना है वहां उसकी हिम्मत नहीं है करने की, और उसके बाद पहले वो अपनी क्रिटिसिज्म टू नेशन थ्योरी से शुरू होता है, टू नेशन थ्योरी पे खत्म हो जाता है, और अगर टू नेशन थ्योरी का जो लोग आपके यहाँ रिजेक्शन करते हैं उनसे पूछिए कि टू नेशन थ्योरी को जब तुम रिजेक्ट करते हो तो क्या रिजेक्ट करते हो, टू नेशन थ्योरी के रिजेक्शन का मतलब है कि हिंदू और मुसलमान दो कौमें नहीं है। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान से बात कौन करे, कौन पढ़ाए, उन्होंने अगर एक चीज को थोड़ा सा ढील भी देता, टू नेशन थ्योरी जो तेरा मेरा करता है उसका तो बेसिक्स पे जाओ, कहां से है ये शुरू होता तेरा मेरा, तो क्या एनालाइज कर रहे हो, क्या किताबें लिख रहे हो मॉडर्न, जरा मुझे बताओ, हिंदुत्व को गाली तो दे रहे हो, चलो दो, बहुत लोग हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, सिर्फ इंडिया में, आप पाकिस्तान में नहीं दे रहे, अमेरिका में भी बैठ के हिंदुत्व के अगेंस्ट में हार्वर्ड में हो रहा है, हमारे यहाँ खुद भी गाली दे रहे हैं, मगर हिंदुत्व चल रहा है। अगर मान लीजिए एक समाज थोड़ा आदमी लिबरल बन भी जाए मगर उसका हेट्रेड फॉर इंडिया कम नहीं होता, वो अगर थोड़ा मान लीजिए टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट भी कर दिया उसने, कहता है बोगस थ्योरी है, हालांकि वो समझता नहीं है टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करने का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो हिंदू है। अगर आप इंटरव्यू के दौरान पूछेंगे ना पाकिस्तान, तो कहेंगे खुदा का नाम है हमने भाई वहाँ पे जाके भूखा मरना है, हमें वहाँ पे जाके कौन सी ऐसी डेवलप है, कोई ऐसी जो है वो अपना कामयाब सोसाइटी है, कोई ब्रिज है, कोई बाइक है, कोई गाड़ी है, कोई मैन्युफैक्चर है, हम क्या चीज़ देखेंगे जाके, हमने पाकिस्तान में जाके गुर्बत देखनी है, बेरोजगारी देखनी है, जब स्पीच हो रही होती है तो लाइट चली जाती है, ठीक है, खाने को रोटी नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, भाई पाकिस्तान की तरफ कोई आता ना तो सबसे पहले कहते हैं जी हमें इतना कर्जा दे दें। फ्रांस के प्रेसिडेंट का उनके साथ रोड शो के बारे में आप क्या कहेंगे, पहले यूएई के प्रेसिडेंट के साथ उनका रोड शो हुआ था, इस बारे में किया था एमबीजेड, हां एमबीजेड ने, जी एमबीजेड ने रोड शो किया था अहमदाबाद में आई थिंक सो, ठीक हो गया, तो बड़ा कामयाब दौरा था उनका भी। होते हैं कामयाब जो मुल्क होते हैं ना उधर यही कुछ देखने को मिलता है, खुदा ना ख्वास्ता कोई भी अगर इधर विजिट करने आता है सबसे पहले तो उसने देखना कि पाकिस्तान में लाइट नहीं है, अंधेरे हैं, जैसे पता नहीं ये वो पहले ज़माने में ना मोमबत्तियाँ जलाया करते थे, दिए जलाया करते थे, अब रौनक देख लो किधर है, पाकिस्तान में ऐसे अंधेरे छाए हुए हैं, जाहिर सी बात है फैक्ट्रियाँ बंद हैं, मिले बंद हैं, डेवलप नहीं है पाकिस्तान, हर 5 मिनट बाद 2 मिनट बाद 10 मिनट बाद मोबाइल छीने जा रहे हैं, मोबाइल स्नैच हो रहे हैं, चोरियाँ डकैतियाँ आम हो गई हैं, गुर्बत की वजह से डकैतियाँ आम हो गई हैं, तो भाई हम गुजारिश भी करते हैं अपने हुक्मरानों को, कहते हैं खुदारा होश के नाखून लें, दूसरी कंट्रीज़ का आप कंपेरिजन तो नहीं कर सकते। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे में भारत और फ्रांस दोनों देशों के बीच कई डिफेंस डील हुई है। विदेश सचिव बिनय ने बृहस्पतिवार को जयपुर में हुई मोदी मैक्रो वार्ता के नतीजों की घोषणा करते हुए बताया कि एयरबस SI हेलीकॉप्टरों के उत्पादक के लिए भारत में एक असेंबली लाइन स्थापित करने वाली है। फ्रांस भारत को रक्षा रोड मैप, वायु अंतरिक्ष समुद्री क्षेत्रों पर जागरूकता, भूमि युद्ध रोबोटिक, साइबर रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ वाहनों और प्लेटफार्म के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सहयोग प्रदान करेगा। तो यार भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप पर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।